नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर मामले की ताजा अपडेट। सीबीआई के ऑफिस में चल रही है कुलदीप सेंगर से पूछताछ। सीबीआई के मामले में हैंडओवर करते ही शुरू कर दी कार्रवाई। सबसे पहले सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को टेकअप किया। सीबीआई घटनास्थल पर माफी भी पहुंची। पीड़िता से होटल में पहुंचकर पूछताछ की। बड़ी खबर, कुलदीप सेंगर सीबीआई के ऑफिस में चल रही है पूछताछ। कई घंटों से लगातार जारी है कुलदीप सेंगर से पूछताछ। रात को ही सीबीआई ले गई थी कुलदीप सेंगर को लखनऊ उनके आवास से। सीबीआई होटल ग्रीन पैलेस में पहुंचकर पीड़िता से भी पूछताछ करना शुरू कर दिया है और पीड़िता से पूरी जानकारी ले रहे हैं और पूछा जा रहा है कि उनके साथ कब, कैसे और क्या हुआ। सीबीआई के समक्ष कुलदीप सेंगर समय भी मौजूद है और उनसे लगातार बातचीत चल रही है, पूछताछ चली की जा रही है और उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। वहीं दूसरी टीम माखी पहुंची है, थाना से सस्पेंड किए गए कर्मियों अधिकारियों को वहां से लेकर के लखनऊ रवाना हो चुकी है एक टीम और दूसरी टीम पीड़िता से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने अब तक 3 FIR कराई हैं। एक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप, दूसरा पीड़िता के पिता की मौत का मामला, तीसरा सेंगर के परिवार की ओर से दी गई तहरीर पर FIR। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में हमको घर से हमारी भाभी वीडियो पहले से सिखा रही थी, वायरल हो रही है घर में डांट और कुछ ऑडियो भी वायरल हो रही है वहाँ जाना, जिसमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये ऑडियो वीडियो पीड़िता ने पूर्व में ही एक पर गैंगरेप यहाँ से लोग हमको आरोप लगाया, जिसमें 3 को ले गए, ले जाने के बाद हमको रास्ते से ही गलत काम करना चालू कर दिया। उनका ड्राइवर पंडित नरेश तिवारी उसका नाम है और शुभम हमारे साथ गलत काम, अब हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ दो लोग थे हमारे साथ गलत काम करना ही रास्ते से चालू कर दिया और फिर वहाँ ले गए हमको कमरे में बंद कर दिया। कमरे में वहाँ 2-3 लड़के बाहर से आए, उन लोगों से कराया और आप लोग भी किया और फिर हमको औरैया में यादव जी के यहाँ रखा, वहाँ उन लोग उनसे भी उनका बड़ा वाला भाई उसने हमारे साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद हम पुलिस सुबह यहाँ से पहुँच गई 6 बजे, हमको तुरंत पकड़ लिया, मैक्सी पहने थे, मैक्सी पहने पकड़ लिया हमको, पुलिस थाने ले आई। क्या क्या बेचने वाली बात आ रही थी? हाँ, वो कहाँ तक 60,000 में बेच दिया था हमको। किससे? एक यादव से। कि वो कैसे पता चला आपको कि 60,000 हमको मालूम पड़ गया था, लोगों सब लोग मिल के बात कर रहे थे कि इसको बेच दो, 60,000 में बेच दिया। फिर वहाँ भेज दिया तो वहाँ ले गए, वहाँ रखा, उन लोगों ने गलत काम किया, हम कैसे भी निकले, हमको पुलिस ने पकड़ लिया। मामला एक गांव का है, गांव के कुछ लड़के हैं और 2 औरतें हैं, एक लड़की है एक औरत है। वो लोग मेरी लड़की को बहला फुसला करके यहाँ से ले गए और जो है औरैया में उसको बेचा किसी यादव के यहाँ। तो किसी तरीके से, चूँकि हम काम धंधे वाले वादी में हैं, तो किसी तरीके से इसी तरीके पता करके अपनी लड़की खोज के लाए, लेकिन ये 60,000 रुपए में बेचा था इन लोगों ने, जैसा लड़की ने बयान दिया था। मुलजिम भी थे, उनको पुलिस ने छोड़ दिया जो है पैसे वैसे लेकर के। बाकी ये है, इनकी भी लड़की 3 महीने से गायब है, एक और लोग हैं उनकी भी लड़की गायब है, एक और लोग हैं उनकी भी लड़की गायब है, जिसको पुलिस कभी तलाश नहीं रही है। 3 महीने के अंदर ही सारी लड़कियाँ गायब हैं और ये लड़कियाँ यहाँ से गाँव से ले जाके बेची जा रही बाहर, चूँकि मेरा एक प्रमाण है कि मेरी लड़की बरामद हुई। क्या? हाँ, मेरी लड़की ने बयान दिया है कि मेरे को यहाँ से ले जा करके यहाँ के साथ गलत काम किया, फिर जहाँ पे ले गए वहाँ पे तीसरी जगह गलत काम किया, फिर औरैया में भी गलत काम किया जहाँ से बरामद हुई। पुलिस का रोल इसमें, पुलिस जो है जो मेन अभियुक्त थे, ड्राइवर पे मुकदमा लगा दिया कि ड्राइवर को लगा करके 366 लगा करके भेज दिया और कुछ नहीं लगाया। मेरी नाबालिग बच्ची थी 16 साल की और जो है उसको ड्राइवर पे लगा करके जो मेन अभियुक्त थे उनको बचा लिया, थाने में रोक रखा और थाने में मेन अभियुक्त को 10 दिन से बैठा रखा है, उसका चालान नहीं कर रहे थे। आज जब मैंने प्रेशर बनाया तो उसको GD पे चढ़ाया है, अब कल वो जाएगा जेल। बाकी जो औरतें हैं उनको छोड़ रखा है। प्रकरण ये कि एक युवती है माखी थाना के अंतर्गत, उसके परिजनों ने 2 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है। उन्होंने बताया कि उसकी
पुत्री को बलपूर्वक बहला फिसला करके फिर बलपूर्वक उसको ले जाया गया है। 20 तारीख को पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें से एक अभियुक्त की 22 तारीख को नरेश की गिरफ्तारी कर ली गई। दूसरा जो सह अभियुक्त है शुभम, उसकी आज गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जा रहा है। पीड़िता का 164 का बयान एवं अन्य जो परीक्षण वगैरह हो चुका है, इसमें संलिप्त अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। शेष ही उन पर भी शीघ्र गिरफ्तारी करके विवेचना का सफल निस्तारण किया जाए। आप एक वीडियो की बात देख रहे थे पीड़िता की, जिसने पिछले समय में 3 युवकों को जेल में गैंग रेप के आरोप में फंसाया था। अब ये ऑडियो आप सुनिए। अरे यार मोबाइल मेरा चार्ज में लगा, प्लीज बता दो, नहीं तो हम खा लेंगे अंदाज लाए जो समझ लेते। अब हम बहुत ज्यादा उब गए हैं ना, हम तो घर में से चीज दिखा सकते हैं कि दोनों कहीं जा सकते हैं, निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए हम ये सब बता देंगे। अरे यार मोबाइल हम बंद जा रहे देने और अपना मोबाइल लगाएंगे जा करके। तो हम क्या हम नंबर दे देते अपन 907 वाला, अभी मिल जाए, अभी बता दे, हमारे पास नंबर रहता हम फोन कर देते तुमको जहाँ होते। अरे यार तो अभी वो चार्जिंग में लगा रहे, 10-5 मिनट में वो चार्ज हो जाएगा, तब उससे फोन करना। अभी हम ये देने जा रहे इसलिए कि हम बात देखो हुई नहीं तो पूछ तो ले कहाँ पर। तुम तो कहते नंबर दे देना हमको, शुभम से कहते नंबर दे दे, तो अभी शुभम को फोन करना, तो फिर शुभम से नंबर ले लेना। अब क्या बताऊँ, तो हमें बता दो तो हम वहीं आ जाएं, ना दुकान में कहीं हमको लगाना पड़ेगा, ना हमारे पास चार्जर है ना कुछ, हम चार्जर भी गांव में भूल आए। हम सुबह, अरे यार तुम ना तुमको नंबर याद है, अरे यार बोलो तो तुम बता नहीं सकते, जल्दी बताओ। हाँ अब हमसे आज जो बैठी हो तुम, हाँ सबसे हमने बता दिया था ना। हाँ अभी महेश सिंह को मैं फोन कर रही हूँ, तुम महेश सिंह का फोन करो या जान दो फोन करो। अब देखो हमारा मूड भूल गया, आपसे हम खा ले सल्फाज मर्जी भी जाके ना तुमसे पहले। हाँ तो तुम मर जाओ जाके जाओ, तुम जब ना बात नहीं मान रही हमारे विषय का भी नहीं, हम तो दुनिया छोड़ दिया तुम्हारे पीछे। हम भी तो देर दिया। हाँ तो बता दो हम कितनी देर लगी, तुम वहीं पर बैठे हो, हम जैसे फोन करें अपने वाले से वैसे बाहर आ जाए। मोबाइल करे हो जान के स्विच ऑफ बता रहे हो, स्विच ऑफ हो गया, हम तुम्हारे पास देख थोड़ी रहे। कसम से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। अरे हमका ना बताओ, ठीक है हम बहुत दिमागदार हैं। दिमागदार हो बाबा तुम्हारा सब सही है, मानत है तुम्हारे बात हम, मगर समझता या फंसी रही है कि एक बार मिल लो के बाद तुम भी चाहे ना तुम मर जाना और हम भी चाहेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे जा करके। अब हम माखी तो माखी तो हमें जाना ही नहीं है, जाओ हम नहीं खुद जाओ कहे नहीं जाओ। अब जब माखी हमारे इस काम कर दी नहीं तो सीधे हम माखी हम मादर चो छोड़ ही देंगे, हम खा ले सल्फाज मर जाए भाई नहीं बान हुई और मर जाए भान जा। कौन से स्टेशन है जा रही हूँ, बस अब जहर खाने जा रही हूँ। कहाँ कौन से स्टेशन? ससून में। अरे जल्दी बताओ यार, फिर जब तो देर कर रही होगी, जब हम अपने वाले फोन करें तो तुरते बाहर जहाँ पर हो जहाँ पर बतामन तो उन पर रोड पर आ जाए बैठा के तुरते चल दीजिए। अरे यार बताओ, बेवकूफ हो बिल्कुल बेवकूफ हो। हाँ बेवकूफ तो है ही, बेवकूफ ना होते तो आज हम दुनिया घूम ना लेते हैं, ठीक है। मैं सिंह से तुम कहा फोन करके बता दिया हो, कहा बता दिया हो कि हम अपनी मर्जी से गई। सुनो मैं सिंह से मैं क्या कहूँगी, अब मैं सिंह से ना फोन या करके ना हमका मरवा डरे वो कुछ नहीं है। ना 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 कह दूंगी उस इंसान की पीछे मत पड़िए, तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ हमको परेशान किए थी, ठीक है, तुम्हारे माँ के पीछे चोर भगे हैं, मैं किसी के साथ भगी नहीं। रह गई फोन करने की बात, तो मैं फोन करती थी, सब लोग करते थे, सबकी लड़कियाँ करती तो हम भी करते थे बात, ठीक है, ठीक मेरा टाइम पास होता था, बात करते थे इंसान को भेज दो, हाँ मर जाऊँ बस, किसी को मत हमारे पीछे किसी की जान मत लो, मेरी लाश ले जाओ आके बस। अच्छा सुनो, हाँ ज्यादा देर बात करेंगे नहीं, नहीं वो भी कहेगा क्या बात हो रही कहाँ बात हो रही शुभम। हाँ और हम अपना मोबाइल चार्ज करके
मेरे नंबर पे मिलाना, बात करेंगे। नंबर है नहीं, नंबर है नहीं तो क्या मिलाएंगे, टाइम से ढूंढ रहे हैं, नंबर मिल नहीं रहा हमारा। अरे तो हम इसी नंबर पे बात करेंगे, ये बताओ पहले। चलो मैं दूसरे से नंबर ले लूँ। नहीं जी बताओ, इसी नंबर पे बात करनी पड़ेगी हमको। नहीं हाँ तो बता दे, अब उनके भाई नंबर ले रहे हैं तो यार कहेंगे तुम कहाँ हो, कहेंगे। अरे यार देर हुई रही, माधर चौथ एक बजे की ट्रेन है, अब ये सोच रहे कि ट्रेन सीधे गुजरात का है, सीधे गुजरात के लिए ट्रेन है घंटाघर से। ना पैसों ना ही पैसा लेंगे रान, अब बता दे रहे हमारे पास पैसे पहुँचने के लिए है, पहुँचने भर के लिए मैं पैसे रखे नहीं। चाची मुझे गई हो गए, चाची किन्तु नहीं गई हो बनी, चाची किन्तु नहीं गई होगा घर में। ना मम्मी के यहाँ नहीं गए, उनका नंबर नहीं मिला था भाई, भाई नहीं हम एक्स काहे से शुरू थे, कौन सी गाड़ी बताओ। हेलो एक्सप्रेस है, हम एक्सप्रेस से बैठी हूँ बताओ। चलो ठीक है फिर फोन काट दो, फिर क्या बताए। हाँ हाँ नंबर दो, नंबर है हेलो नंबर लिखो। हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ नरेश बोल रहे, कहाँ पर हो यार। हाँ तो अपना नंबर दो हमको। अरे यार मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग में भी लगाएंगे हम। नंबर दे दो, नंबर पे लो। अरे नंबर कैसे, नंबर दे दे नंबर, वो मोबाइल स्विच ऑफ है, नंबर कैसे मिलेगा, मुझे जवानी तो हमको भी याद नहीं। कान तुमने बता रहे थे 907 वाला नंबर। हाँ 907 वाला नंबर तो अभी मोबाइल स्विच ऑफ है ना। हाँ हमको दो नंबर काम है। अच्छा जल्दी ये बताओ पहले, हम कानपुर मान शुभम का बुलाव है। हम नहीं जान नहीं था नंबर दोगे अपन। अरे आप पहले ये बताओ कि हाउ कहाँ पर है। हम नंबर दो कहाँगे। अरे नंबर देन कैसे नंबर देन, पर मोबाइल। हेलो बात हो, मोबाइल खुलेगा नहीं। अरे खुली भाई तो फिर तो नंबर तो परेशानी हो रही है। हाँ कब नंबर से कहा परेशानी हो रही है। अरे तो सुनो तो खाओ कहाँ पर, दामों को चार्ज करना देना। आगे नंबर दे तुम्हें बता दी कहाँ। अरे तो बताइए हम हमारे साथ मैम, शुभम को आए तुम्हें चिंता नहीं होनी बात की, कहूँ कुछ नहीं। कहाँ है कहाँ नहीं है बता दे तुरंत तुमका। अरे तो नंबर दो। अरे बता नहीं, अच्छा बता नहीं सकती हूँ मैं हम कहीं, हमें नहीं बता सकती हो तुमसे झूठी बोल रहे उनका। अभी कुछ उल्टा हो जाएगा नहीं नंबर दे दो। कुछ नहीं होगा, तुम केवल हमें बता दो कहाँ पे हो, कहाँ पे तो हम वहीं पे आ जाए, वहीं से ले जाए आके तुमको। नंबर दो हमको 907 वाला। अरे तो पहले तुम बताओ अच्छा किस जगह पर हो। नहीं ना। अरे तुम बता दे तुम मेरी कसम। अच्छा मतलब विश्वास नहीं मैं आखिरी है आखिरी 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 कुछ नहीं पागल होगा आखिरी है आखिरी वाखिरी कुछ नहीं पागल होगा देख लेना मैं पेपर में निकलवा दूंगी तभी जान दूंगी, ऐसे जान नहीं देने वाली हूँ ठीक है। अरे